मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से आता हूँ। हमारा संकल्प भारत के सभी प्रदेशों में भ्रमण करते हुए 108 महायज्ञ पूर्ण करना, जिसमें 97 हो चुकी, 97 अभी गुजरात में थी, 108 कुंडी बड़ी दिव्य भव्य यज्ञ रही, बहुत अच्छा समर्थन भी था वहाँ हिंदुत्व जागृति के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, कोरोना जैसी अकाल महामारी से बचने के लिए, क्योंकि जब अकाल और महामारी वायुमंडल दूषित होता है तो ही ये सब प्रभाव दिखाती है। अगर वायुमंडल स्वच्छ हो तो कोई भी अकाल कोई भी महामारी नहीं आ सकती है। उसके लिए यज्ञ एक संकल्प है, वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं हिंदुत्व जागृति के लिए, देश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अच्छे भविष्य के लिए परमार्थ भाव से यज्ञ किया जाता है। अभी वर्तमान समय में थोड़े दिन पहले कुंडी यज्ञ हरियाणा कुरुक्षेत्र में की गई, उसमें कई वैज्ञानिक लगाए गए थे, वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया, उसका एक अच्छा परिणाम था और उन्होंने कहा कि यदि यज्ञ होती नहीं, अगर 5% लोग भी 2% लोग भी अपने अपने घरों पर कुंड बना करके धूप अगरबत्ती या हवन यज्ञ थोड़ा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से घर शुद्ध होगा, सात्विक होगा, वातावरण शुद्ध होगा, किसी प्रकार की अकाल महामारी नहीं आएगी, ऐसा हमारा विज्ञान भी बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा का स्टेटमेंट था कोरोना को भगाने के लिए हवन यज्ञ हथियार बनाए, ऐसे कई डॉक्टरों के स्टेटमेंट थे जिन्होंने कहा था कि कोरोना को भगाने के लिए हवन यज्ञ को हथियार बनाना चाहिए। त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं बहुत सालों से, मैं माँ त्रिपुरा का प्रचारक हूँ और मुझे इस बात पर खुशी है कि कई स्टेटों में मैं प्रचार करने में सफल रहा, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे MP हो, चाहे राजस्थान हो, जहाँ जहाँ यज्ञ की वहाँ वहाँ मात्र को सुंदरी का प्रचार किया, क्योंकि त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी के नाम से ही जाना जाता है। त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी दोनों एक जैसे नाम होते हैं और यहाँ एक बीच का छोटा सा बहुत सुंदर एक अच्छा प्रदेश है जो हरा भरा है, बस थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से जैसे वैष्णो देवी एक शक्तिपीठ है, कामाख्या एक शक्तिपीठ है, वैसे त्रिपुरा भी एक शक्तिपीठ है, केवल जागृत करने की आवश्यकता है, प्रचार करने की आवश्यकता है। अगर कटरा वैष्णो देवी की खा सकता है, सीडी साईं के नाम पे चलता है तो त्रिपुर सुंदरी के नाम पे त्रिपुरा भी चल सकता है। क्या योग करना है, 108 बार योग करना सुना है, क्यों करना है? 108 जो संकल्प है वो मैंने आपको बताया कि भारत के सभी प्रदेशों में घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ करें, हर घर यज्ञ करें और दैनिक दिनचर्या में सभी लोग शामिल करें, यह उद्देश्य है हमारा। जैसे जीवन को जीने के लिए स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए योग की जरूरत होती है, तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की जरूरत पड़ेगी। जब वायुमंडल शुद्ध होगा तभी हम बचेंगे, नहीं तो कोरोना जैसी दूसरी कोरोना बीमारी आ जाएगी।
या मतलब सत्य भूमि का 108 बार जो करना है, कौन सा तारीख से कौन सा तारीख करना है? अभी तारीख तो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन हर संभव प्रयास एक ही दो दिन में तारीख निश्चित करके और विचार विमर्श करके देश के लिए, राष्ट्र के लिए और सभी दिव्य आत्माओं की शांति के लिए निश्चित करके फिर यज्ञ करेंगे। कितना कितना मैंने आपका जो महाराज कितना टोटल है जो महाराजों की गिनती नहीं होती हमारे यहाँ, वो 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं। महाराज आपका नाम क्या है और डेजिग्नेशन भी क्या है? अब नाम तो केवल हरिओम महाराज है लोग कहते हैं, बाकी सब कुछ समाज दे देता है, समाज ही बोलना शुरू करता है। नाम के आगे कभी कभी यज्ञ सम्राट भी लगा देते हैं। और कुरुक्षेत्र में जब 501 कुंडी यज्ञ किया तो काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य और तमाम जगत गुरु साधु समाज के बद्रीनाथ के शंकराचार्य वासुदेवानंद जी ने त्रिपुरा पीठाधीश्वर नियुक्त किया, इसलिए कि त्रिपुरा का सबसे अधिक प्रचार करने में सफल रहा है। त्रिपुरा पीठाधीश्वर के नाम से मुझे जाना भी जाता है। जोगो कितना समय का हुआ, कितना समय का करना है जोगो, जो महाजोगो होना है? अब ये सब जो भी समय या डेट दिनांक जो तिथि तय होगी वो फिर आगे आपको। समय कितना है किस तरह का समय? हाँ, महाजोगो जो होना है उसको कितना समय लगेगा महाजोगो करने के लिए? हाँ, वो दस दो चार से दस दिन में तैयारी होगी, बस एक दो दिन में निश्चित करेंगे किस तारीख से करना, उसके बाद तैयारी होगी, चार छः दिन तैयारी में लग जाते हैं, बस शुरू हो जाएगा।